ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فيا ايها الناس الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنت قابل احترام بزرگو عزيز نوجوان ساتيو معززاتو مكرمات اسلامي ماور بحنو हर किस्म की हमदोसना तारीफ व तमजीद की ब्रियाई बढ़ाई रिफत व आज़मत अल्लाह रब्बुल रब्ल के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है बेशुमार लात बेहदो हिसाब सलाम पैगम्बर आखिर उसमा महसिन इंसानियत महसिन कायनात जनाब महमदरसूल सला वसलम की दस पर गुज्त खुतब जुमतमबारक में कुरान करीम की हक्कानियत सदाक़त शान मकाम और हिफाजत के बारे में आपने कुछ बातें समात फरमाई एक बात जो इंतहाई ज़रूरी है कुरान करीम की हिफाज़त के हवाले से वो आज मैं आपके सामने बयान करूँगा और उसका बयान अलग से करना मुस्तिल उस पर बात करना ज़रूरी है हम मुसलमान ये दावा तो करते हैं कि कुरान करीम महफूज़ है अल्लाह इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और क़यामत अल्लाह इज़्ज़त इसकी हिफाज़त फरमाएगा उसके असबाब और जराए पर भी हम बात करते हैं लेकिन हम उमूमन एक पहलू पर बात कर रहे होते हैं हम सिर्फ़ क़ुर करीम के अलफा की हिफाजत पर ज़ोर दे रहे होते हैं उमूा उसी पर ही सारी तोयाँ सर्फ़ की जाती हैं क़ुरान करीम के अलफ़ा भी महफूज़ हैं और क़ुरान करीम का माना व मफहम भी महफूज़ है अगर कोई शख़्स ये समझता है कि क़र करीम के सिर्फ़ अलफा महफूज़ हैं अल्लाह इज़्ज़त ने उन अल्फाज से जो मुराद ली है अपने बंदों को जो पैगाम दिया है वो मुराद महफूज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क़ुरान करीम की हिफाजत पर यकीन नहीं रखता मैं एक मिसाल से बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ साफ़ सी बात है कि अगर कोई शख्स कहे कि कुरान करीम की बहुत सी आयात में नमाज़ को कायम करने का हुक्म दिया गया है अख़ीम सलाम लेकिन इससे मुराद क्या है नमाज़ को कायम करने से क्या मुराद है अगर कोई शख़्स ये समझता है कि ये मुराद महफूज़ नहीं है माना महफूज नहीं है उसकी तफसीर महफूज नहीं है तो फिर वो क़ुरान करीम की हिफाजत का किस तरह कायल है आप देखेंगे दुनिया में आज भी ऐसे बदबخت मौजूद हैं इस्लाम के नाम पर जो धब्बा हैं क़लमे का इजहार करने वाले लेकिन वो कहते हैं कि ये जो आप रुकू सजदे वाली नमाज पढ़ते हैं ये मुल्ला की नमाज है ये क़ुरान ने जो सलात का हुक्म दिया है ये वो नहीं है सिरे से नमाज के ही मुनकर हैं हालांकि रटे रटाए अल्फाज कुरान करीम की हिफाजत की बात वो भी करते बल्कि उनका दावा ये है कि सिर्फ़ कुरान महफूज है यानी उनके मुराद उनकी मुराद क्या होती सिर्फ़ कुरान के अल्फाज महफूज हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि सलाद का माना तो अरबी लोगों से देखें तो उसका माना चूतड़ हिलाना भी होता है तो हम चलते फिरते हैं बाज़ारों में कारोबार करते हैं मामलात करते हैं ये सलात है और ऐसे भी लोग हैं जो एक नमाज़ के कायल हैं कि दिन में एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी जाएगी और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं दो नमाज़ें तीन नमाज़ें ऐसे भी लोग और आपके इस पाकिस्तान में आपके मुल्क में बहुत से लोग मौजूद हैं और वो अपनी बातें लोगों को पहुंचाते भी हैं उसका इजहार भी करते रहते फिर नमाज़ में पढ़ना क्या है क़ुरान का हुक्म है नमाज कायम करो अगर वो बदबخت लोग नमाज के कायल हो भी जाते हैं उनमें से कुछ लोग कि चलो इससे मुराद यही नमाज़ है तो नमाज़ में पढ़ना क्या है कोई कुछ कहता है कोई कहता है खड़े हो जाओ इतनी देर इस समत में मुंह करके बस आपकी नमाज हो जाएगी कोई कहता है फलां आयत पढ़ी जाओ बस नमाज हो जाएगी बाकी रुकू सजदे की तस्बीहा वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं और ऐसे भी लोग मौजूद हैं कहते है फारसी में पढ़ लो अल्लाह अकबर की जगह अल्लाह बुजुर्ग अस्त कह दो तब भी नमाज़ हो जाएगी तो कुरान करीम की हिफाजत का क्या मतलब हुआ फिर आपने दावा किया कि कुरान करीम महफूज है लेकिन आपके दावे के बाद भी जो आपने माना है उसके मानने के बाद भी आप बीस फ्रीक बन गए चालीस फिरके बन गए सैकड़ों हजारों फिरके बन गए सिर्फ़ एक लफ्ज़ नमाज के बारे में तो इसका मतलब यह है कि आपका दावा तो झूठा साबित हुआ गैर मुस्लिमों को आप क्या मुंह दिखाएंगे किस मुंह से आप कहेंगे कि हमारा कुरान महफूज है सिर्फ लफ्जों की हिफाजत का नाम है कुरान की हिफाजत यह अल्लाह रबुल्ज़त ने कुरान करीम और उसका माना वफूम क्यामत तक महफूज कर दिया है क्यामत तक आने वालों के लिए सिर्फ लफ्ज महफूज नहीं है बल्कि लफ्ज़ों के साथ साथ उनका माना वफूम उनकी तफसीर उनकी तश्री वो भी महफूज है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फ़रमाया है इन्ना नहनु व नन्हन लहू हाफून इस वही को हम ही नाजल करने वाले हैं और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम भी वही है और कुरान करीम की तशरीह और तफसीर कुरान करीम का बयान और वजाहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मुराद है वो भी क़यामत तक महफूज है ये क़ुरान की हिफाजत का पूरा मतलब है कुर करीम महफूज़ है अपने अल्फ़ाज़ के साथ भी और अपने माना और मुराद के साथ भी और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्हल्म ने क़ुरान नाजिल करने का मकसद ये बताया व अनज़ल नाई केिकली तोबैन अल्लाजिमा नज़ीलाम वाल्म करूँ क्या नबी हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल किया वैसे तो किताबी सूरत में भी आ सकता था सूहूफ़ इब्राहिम वमूसा ऐसे ही आ गए थे किताब ही नाजिल हो गई ऊपर से बनी बनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर तेईस सालों में कुरान करीम नाजिल हुआ वक़े वकफ़े से आहिस्ता आहिस्ता तदरीज़न नाजिल हुआ उसका सबब क्या था वजह क्या थी क्यों अल्लाह रबत ने ऐसे नाजिल फ़रमाया खुद कुरान में सुर नाहल में अल्लाह रबत ने फरमाया नबी हमने आपके कलब अतहर पर इसलिए कुर करीम नाजिल किया लि तो बजन से मानू ताकि आप उसकी वजाहत और तफसीर लोगों को साथ साथ दे दें अल्लाह का कलाम ये है और उसकी मुराद ये है अल्लाह का फरमान ये है और उसकी तशरी और तफसीर ये है अल्लाह का कलाम ये है और अल्लाह इस कलाम से क्या चाहते हैं ये मुराद है ए नबी हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल की है डायरेक्टली लोगों को नहीं दे दिया बल्कि आपके वास्ते से दिया है ताकि आप लोगों को जो नाजिल होता है उसकी तशरी और तफसर भी साथ, साथ दें वाला तफक् तब ही मुमकिन है जब आप तशरी और तफसीर फरमा दें तब ही मुमकिन है कि लोग उस पर ग़ौर फिक्र कर सकें तफक्र और तदब्बर कुरान करीम पर उसका हुक्म अल्लाब ने बार बार दिया है लेकिन उस तफक्र और तदब्बर के लिए लाजमी अमर नबी करीम सल्ला वसम की दी हुई तशरी तफसर और बयान है जिसको हम आज हदीस के नाम से याद करते हैं हमारे असलाफ मुहदसिन आइमदीन फोकह इस्लाम उसको हदीस कहते थे उसको सुन्नत कहते थे नबी करीम वसल्लम की सीरत का लाजमी जुज है आपके अकवाल और अफ़ाल यही आपकी सीरत हैं यही सुन्नत यही हदीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना फरमायाहन इन्ना रवा हाफिजुन ये वही हमने ही नाजिल की है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का कलाम भी वही किया जाता था और अल्लाह के कलाम की तशरीह तफसीर और बयान भी वही किया जाता था इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में फ़रमाया सुनन अबी दाऊद की बिल्कुल सही हदीस है Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला ऊतीतुल किताब व मिसल हु याद रखो खबरदार इस बात को भूलना नहीं है नोट कर लो इस बात को कि मुझे अल्लाह की किताब कुरान भी दिया गया है और उसके साथ उस तरह की एक और चीज भी दी गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजें दी गई एक अल्लाह की किताब कुरान और एक उसी जैसी दूसरी चीज़ वह मिसल हो माहू और उसी तरह की चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान के साथ ही दी गई है कुरान भी दिया गया और उस तरह की दूसरी चीज़ भी दी गई और वो दूसरी चीज़ हदीस है सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल अफ़ाल आपका उसवा हसना है वो कुरान की तरह कैसे है कि जिस तरह अल्लाह का कलाम हमारे लिए मानना फ़र्ज़ और वाजिब है ईमान लाना फ़र्ज़ है कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कुरान करीम के एक एक लफ्ज़ एक एक हरफ पर ईमान न लाए और दूसरी चीज़ हदीस भी उसी तरह की है फरमाया मुझे उसी तरह की दी गई है चीज़ दूसरी हदीस पर भी उसी तरह ईमान लाना अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के हर हर कौल पर आप अलैहि वसल्लम के हर हर फेल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर तालीम पर ईमान लाना भी हमारे लिए फ़र्ज़ वाजब है क़ुरान करीम की एक आयत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है वो सौ दफ़ा कलमा पढ़ता रहे हजार दफ़ा दावा करता रहे उसका दावा इस्लाम मरदूद है काबिल कबूल नहीं है इसी तरह अलैहि वसल्लम का एक फरमान उस तक पहुँच जाए और उसके बाद उसको मानने से इनकार कर दे एक है अमल में कोताही वो भी बहुत बड़ा जुर्म है वो भी जहन्नम में जाने का सबब है उसमें भी दुनिया आखरत की रसवाई है लेकिन एक है अमल ना करना बल्कि उसको मानने से ही इनकार कर देना कहना कि नहीं मानता मैं मेरे लिए हदीस दीन नहीं है मैं हदीस को वही नहीं मानता ऐसा जो शख्स कहता है वो शख्स मुसलमान नहीं रहता क्योंकि वो मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम का ही इनकारी हो गया है उसने नाऊजबिल्ला मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डाकिया समझ लिया है कि डाक आई है वो आप तक पहुंचा के चला गया है उसको नहीं पता कि उस डाक में क्या है और उसने नहीं बताया आपको तफसीर तशरी करके कि इस डाक में क्या लिखा है आपके लिए जो कहता है हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तशरी और तफसीर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझाई हुई मुराद मेरे लिए ज़रूरी नहीं है वो शख्स रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम का कदरदान नहीं है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहन करता है वो कहता है कि महज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीख के जबरील अमीन के ज़रिए हमें दे दिया बस भाई सीधी सी बात है साहिब कुरान मोहम्मद अलैहि वसल्लम है कोई मुसलमान बल्कि कोई जी शूर इंसान वो, वो मुसलमान ना भी हो वो ये बात मानेगा कि जिस पर नाजिल हुआ है और जिसने हमें दिया है वो क़ुरान वो उसको बेहतर समझता था उसकी तफसीर उसकी तशरी और उसके मानी को वो ज़्यादा समझता था बेहतर समझता था महमदर रसूल सल्लाम अल्लाह रबुलाज़र की तरफ़ से आने वाले इस पैग़ाम को सबसे ज़्यादा समझने वाले सबसे ज़्यादा बेहतरीन तफसीर करने वाले सबसे बेहतरीन अल्लाह की मुराद समझाने वाले आज ये बदबख खुद कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं कहते हैं हम बताते हैं कि कुरान क्या कहता है तभी तो कहते हैं सलाद से ये मुराद है सलाद से ये मुराद है लेकिन मोहम्मद अल्लाह सल वसम को ये हक देने के लिए तैयार नहीं ऐसे बदब्तों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और आपको ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे मीडिया पे लोग उनको कहेंगे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े नुक्ते बयान करते हैं बड़ा मीठा बयान है जी इनका अंदाज कितना सुलझा हुआ है लेकिन वो कहेंगे क्या वो कहेंगे कि हदीस दीन में ना किसी चीज़ का इजाफा करती है ना किसी चीज़ की कमी करती है। ये अल्फाज याद रखें हम जब लोगों को बताते हैं कि जनाब जावेद अहमद गामदी साहब मुनकर हदीस हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं मानते वो आगे से हमें कहते हैं जी आपने उन्हें सुना ही नहीं है आपने उन्हें पढ़ा ही नहीं है उनकी फलां किताब में चौदह सौ हदीसें लिखी हुई हैं मुझे बताएं मोहम्मद वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया उसके बाद क्या अबू जहल अबू लाहा वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे भई आप को देखते थे तो मानते थे ना ये एक शख्सियत हैं इनका नाम मोहम्मद है मानते थे ना काफ़िर क्यों थे वो मुनकर क्यों थे इसलिए कि वो आप वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे वैसे मानते थे एक इंसान मानते थे और अच्छा इंसान मानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना उन्होंने कभी दयानत पर हमला किया ना मानत पर हमला किया साधु को अमीन कहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूत के बाद भी आपके दुश्मन भी बन गए लेकिन इसके बावजूद आप वसल्लम के कौल और किरदार पर एक भी हरफ नहीं उठा सके वो काफिर क्यों करार पाए कि वो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे कहते हम हदीस को मानते हैं लेकिन पूछा जाए कि आप हदीस को दीन मानते हैं कहेंगे नहीं मानते पूछा जाए अल्लाह की वही मानते हैं कहेंगे नहीं मानते तो फिर क्या माना भाई कोई कहे कुरान मैं कुरान को मानता हूं लेकिन उसको अल्लाह का कलाम नहीं मानता तो क्या वो कुरान को मानता है नहीं मैं कुरान को दीन नहीं मानता कोई बदबخت ये कहे तो क्या वो कुरान को मानता है नहीं मानता भई हदीस को मानने से मुराद क्या है कि हदीस को दीन माना जाए हदीस को अल्लाह की वही माना जाए हदीस को शरीयत माना जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल अफ़ाल को उन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजिम माना जाए यह मतलब है हदीस को मानने का और जवेद आमर गामदी साहब हदीस को दीन नहीं मानते वो कहते हैं कि एक तिनके का भी इजाफा हदीस नहीं कर सकती दीन में और एक तिनके की कमी भी हदीस नहीं कर सकती दीन में मुझे बताएं इससे बड़ी तोहें क्या है रसूल वसम आप की आपकी सुन्नत की आपकी हदीस की आपकी आप सीरत की वो कहते हैं एक तारीखी लिटरेचर है बस हमारे पास हिस्टोरिकल लिटरेचर है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस बात को समझें मुझे बताएं कि अगर हम रसूल सल वसलम के उसवे को आपके फ़रामीन को आपकी तालीमार को दीन से निकाल दें उसके बाद क्या बचता है आपके पास कुरान के सिर्फ़ अल्फाज बचेंगे जिनका कोई माना मफहम तय नहीं है जिसका जी चाहे जो जी चाहे माना मफहम करता रहे ऐसे ही है ना और कादियानीों से आपका इख्तिला है वो बदबخت बद मजहब वो दज्जाल और कज़ाब लोग कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं कुरान की हिफाजत को भी हम मानते हैं कुकादियानी दुनिया में ऐसा देखा है जो कहते हैं कुरान महफूज नहीं मानते हैं वही आयत हैं जिनसे आप खत्म नबूवत साबित कर रहे होते हैं वो कहते हैं इससे खत्म नबूवत साबित नहीं होती नबूवत तो आ सकती है जी वही आयात जिनको सारे मुसलमान चौदह सौ साल से पढ़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरी और तफसीर मौजूद है उन आयात से कहते हैं देखो जी इस आयात से साबित होता है कि नबूवत जारी है नबी आप भी आ सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने सिर्फ लफ्जों की हिफाजत मानी है माना और मुराद की हिफाजत वो कहता है माना मुराद तो हर शख्स करे और यही गांधी साहब कहते हैं और दीगर लोग मुनकरीन हदीस कहते हैं भी कुरान हमारे लिए भी तो है हम भी तो अथॉरिटी रखते हैं कि अपनी समझ से समझें हमें कहा गया है कि गौर करो भी आपको कहा गया गौर करो और जहां कहा गया गौर करो वहीं बताया गया है कि व अनजल ना इलाई का जिक्र अली तो नासिमानजिला नबी आप पर कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि आप इसकी तशरी तफसीर और वजाहत करें वाला अल्लाह फकर उस वजाहत की रोशनी में वो गौर वफिक करें तो ऐसे लोगों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है चाहे आप उनको कितना बड़ा स्कॉलर समझते रहे वो इस्लाम के स्कॉलर्स नहीं हैं वो स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स तो हो सकते हैं डॉलर रुपया पैसा शोहरत मफादात आशाइशें दुनिया की हासिल कर लेंगे तो आप देखें आए दिन को नया शोशा छोड़ा जाता है मुनकरीन हदीस की तरफ से जाहिर है जब कुरान की मुराद उन्होंने समझा है कि ये खुली छोड़ी हुई हमारे लिए मोम की नाक है जिस तरह मर्जी मोड़ लें उसको यही गांधी साहब मुनकरीन हदीस के जो सरे ख्याल हैं इस दौर में यही गांधी साहब कुछ अरसा पहले अपने जवानी के दौर में कहते थे दाढ़ी तो इस्लाम का शियार है यह इस्लाम की अलामत है जिसने इसको उखाड़ दिया है मूड़ दिया है उसने तो इस्लाम की अलामत को ही ख़त्म कर दिया कहते को मुसलमान कैसे तस्वुर कर सकता है कि दाढ़ी के बग़ैर भी रहे वो मुसलमान रहे और यह बात उनके अपने शाया करदा रिसाले में उनके अपने अल्फाज से लिखी हुई है माहनामा इशराक में लेकिन ये दौर बहुत गुजर गया है ना उन्नीस सौ की बात है उसके बाद फिर जैसे जैसे डॉलर्स आने शुरू हुए जैसे जैसे आसाइशें मिलनी जैसे जैसे मगरब के प्यारे हो गए वो यूरोप के मंजूर नजर हो गए आज क्या कहते हैं दारी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं ये तो अरबों की एक बस अपनी आदत थी कल्चर था उनका बस और ये बस मौलवियों ने ऐसे ही इसको दीन बना दिया है समझ रहे हैं ना आप इनके उस्ताद गांधी साहब के उस्ताद कहा करते थे कि पर्दे के बगैर इस्लाम कौन सा है कुरान की आयतें पुकार पुकार कर हमें बता रही हैं कि औरत सार पर्दा ही पर्दा है और पर्दा दीने इस्लाम की बुनियादी जरूरत है लेकिन फिर शागिर्द पैदा हुए गांधी साहब ने क्या जिनको उस्ताद इमाम कहते हैं गांधी साहब उनके ये अल्फाज हैं उनकी तफसीर में लिखे हुए हैं गांधी साहब क्या कहते हैं पर्दे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं दुपट्टे का इस्लाम से क्या ताल्लुक सूद को हलाल किया हुआ है कहते हैं सूद हलाल है जायज़ है आप बैंक से अपनी मर्जी से लेते हैं खुशी से लेते हैं कोई हरज नहीं इस्लाम ने तो हराम इम का कहना ये है गांधी साहब का इस्लाम ने तो हराम किया था इस्तेसाल होता था ग़रीबों का और एक बंदे के लिए आसानी है वो कहता है मैं अभी कारोबार शुरू कर लूँ मैं पंद्रह साल में कर्ज़ वापस कर दूँगा बैंक से लोन लेता है और उस पर शरा सूद फिक्स कर ली जाती है उसकी खुशी से तो कहते जायज़ है और सूद लेने वाले के बारे में वो वैदें हैं सारी देने वाले के बारे में तो कोई वैद नहीं देने वाले को तो खुली छुट्टी है जितना मर्जी दे दे और वो भी अगर मजबूर होकर दे रहा है तो तब लेने वाला मुजरे में और खुशी से दे रहा है तो दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह के मामला कैसे होते हैं जब हदीस का इनकार किया जाता है वरना हदीस में वाज अल्फाज हैं सूद देने वाला भी लेने वाला भी दोनों मुजरम है दोनों अल्लाह की लानत और फिटकार का सबब हैं बल्कि उस पर गवाह कर बनने वाला उसको लिखने वाला भी बराबर का फिटकार लानत का मुस्तक है और आप देखेंगे हदीस का इनकार करने की वजह से इंसान कहाँ चला जाता है हराम हलाल भी खत्म गधे के बारे में अब शोशा छोड़ा हुआ है कुछ अरसे से कि कुरान में तो कहीं आराम नहीं है गधा इस्लाम में तो कहीं हराम नहीं है गधा अब ये गांधी साहब ने शोशा छोड़ा और अब कई और लोग भी अब शुरू हो गए हैं कि गधा तो हराम है ही नहीं सबब क्या है गधे की हुरमत का इनकार करने का सिर्फ हदीस का इनकार क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आप इनकार कर देंगे तो फिर हिलत तो हुरमत भी और फराइज वाजवा सब मोम की नाक हैं जिस तरह मर्जी खींच के ले जाओ क्योंकि आपने कह दिया है कि कुरान के सिर्फ़ अल्फ़ाज़ महफूज़ हैं माना मुराद तो फिर हमारे हाथ में है जिधर मर्जी ले जाए रसूल सल्लाम ने फरमाया ये जो हदीस मैंने आपके सामने ख़ुतबे के शुरू में अर्ज़ की पेश की है सैद्व इकदाम फिर मादी करेब रसील् बयान करते हैं सुल नबी दबू की हदीस है के, के रसूल सल्ला वसलम ने फरमायानी ऊती तुल किताबा मिसल हमा ख़बरदार याद रखना मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान की मिसल एक और चीज़ भी दी गई है और इसी के बारे में आगे बयान फरमाया इसी हदीस में इसी मौके पर इसी जुमले से आगे आप सल्लाह वरशाद फरमाया फरमाया खबरदार अला यूशिक व रजुल शबानी कति ही ऐसा वक़्त आने वाला है मेरे बाद क्यामत से पहले पहले ऐसा जरूर होगा एक शख्स हराम के माल से पेट भर के लोगों से डॉलर बटोर के अपना दीन बेच के ये कहेगा कि हमें सिर्फ कुरान काफी है सिर्फ कुरान की बात मानो फमा भजत तुम फी ही मिनह हलाल इनफाही वमा बजत तुम फी ही मिनहरामफ़हर रिमो हो कुरान में जो हलाल है उसको हलाल कहो कुरान में जो हराम है उसको हराम कहो बस इसके अलावा तुमने कोई बात माननी नहीं ये रसूल फरमाते कि आमल से पहले ऐसा होगा कहने वाले कहेंगे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि कुरान में सिर्फ देखना है हमने जो कुरान में हलाल वही इस्लाम में हलाल जो कुरान में हराम सिर्फ वही इस्लाम में हराम इसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया खबरदार अला खबरदार याद रखो लिख रखो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तुम्हारे लिए घरेलू गधे का गोश्त हराम है बात समझ आई चौदह सौ साल पहले अल्लाह की वही से मोहम्मद वसल्लम ने फरमाया सिर्फ कुरान का नारा मारने वाले हलाल को हराम को हलाल कर लेंगे गधे की हिलत की बात कौन करेगा हदीस का इनकार करने वाला ये मोहम्मद रसूल वसलम ने चौदह सौ साल पहले फरमा दिया और हदीस की किताब सुन अब दाऊद में हदीस लिखी हुई है आज की नहीं सौ साल पहले की नहीं हजार साल पहले की नहीं इससे भी पहले दूसरी सदी हिजरी में तीसरी सदी हिजरी में हदीस की तदवीन हुई और उसमें भी ये नहीं कि उसी वक्त ये हदीस मार्ज वजूद में आई हो बल्कि उन्होंने भी चेन जिक्र की है सिलसिला और सनत जिक्र की है इमाम अबू अबूद अपने उस्ताद से वो अपने उस्ताद से वो अपने उस्ताद से वो सिहबी से वो रसूल अल्लाह वसलम से आज मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आती समझने के लिए तैयार नहीं है मुनकरीन हदीस मुनकरीन कुरान है मुनकरन इस्लाम है वो असल में कुरान करीम की हिफाजत के कायल में ज़ुबान से दावा तो करते हैं लेकिन मानते नहीं कुरान की हिफाजत को वरना यूँ खिलवाड़ बना लिया जाए जिसका जो दिल चाहे वो कुरान की आयत और मुराद उसका मतलब और मुराद लेता रहे और आप खुश रहें कि कुरान महफूज है ये कुरान महफूज है रसूल अल्लाह की हदीस के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया उसी तरह हदीस की हिफाजत का जिम्मा लिया मुनकरीन हदीस अक्सर आपको ये आए सुनाएंगे भी कुरान तो महफूज है आप जो हदीस लिए फिरते हैं वो कहाँ महफूज है जब हम उनसे सवाल करते हैं पूछते हैं बताओ कुरान की हिफाजत की दलील कौन सी है आपके पास वो कहते देखो कुरान में है इन्ना नहन नजल निक्रन्ना लहू हाफिजून यकीनन बिला शुबा हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इस जिक्र की हिफाजत करने वाले तो हम कहते हैं भई यहाँ कुरान का तो जिक्र नहीं यहाँ तो जिक्र का जिक्र जिक्र का लफ्ज है जिक्र जिसका माना नसीहत होता है नसीहत कुरान की हिफाजत अल्लाह इज्जत के जिम्मे है लेकिन सिर्फ कुरान की नहीं बल्कि जिक्र की मुराद वही है अल्लाह इज्जत ने जो भी नाजिल किया है उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह इज्जत ने लिया है आप हैरान होंगे कि जिस तरह कुरान की हिफाजत एक बहुत बड़ा अजूबा है दुनिया में लोग हैरान हैं कि लाखों करोड़ों हफाज हर दौर में बेशुमार हुफाज़। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई शख्स एक हरफ एक लफ्ज की तब्दीली कर सके अगर आप हदीस की हिफाजत और उसकी तदवीन और फिर उसूल हदीस और मुहदसिन के तरीकेकार को देखें आश आश कर उठेंगे देखें सई बुखारी को लिखे हुए सदियां बीत गई हैं सदियां को 1200 साल तकरीबन गुजर चुके हैं इमाम बुखारी रहमत ने तकरीबन 1100-1200 साल हो गए सई बुखारी लिखी थी आज तक हमारे पास महफूज है एक लफ्ज का कोई इजाफा नहीं कर सका और एक लफ्ज उसमें दाखिल नहीं कर सका आज भी अगर कोई शख्स एक लफ्ज़ भी बढ़ाने की कोशिश करेगा मुसलमान उलमा उसका हाथ पकड़ेंगे उस शख्स को पकड़कर इलम के मैदान से बाहर फेंक देंगे कि झूठ बोलते हो नबी करीम वसल्लम की हदीस में तहरीफ करते हो लफल बढ़ाते हो अपनी तरफ से सवाल ही पैदा नहीं होता क्या मत तक कोई शख्स एक लफ्ज का भी इजाफा नहीं कर सकता इसलिए नबी करीम अलैहि वसल्लम की हदीस हमारा दीन हमारी शरीयत है हमारे लिए वाजिबुल अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल कर दें हमारे लिए हलाल है आप हराम कर दें हमारे लिए हराम है मोहम्मद सल्लम ने फरमाया घरेलू गदा हराम है हमने मान लिया अब कहते कुरान में नहीं है कुरान में भी तो हलाल हराम हुए हैं जिक्र हुए हैं कुरान में क्यों नहीं है और तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है अल्लाह इज्जत ने मोहम्मद ररसूल सल्लाम का फ़र्ज़ मनसबी बयान फरमाया कि आपने करना क्या है दुनिया में मबूस होकर आपका फर्ज फरीज़ा क्या है आपकी ड्यूटी क्या है यूहल तयबात व यु हर अलिमुल्खबाइस आप जितनी भी तयबात हैं पाकिजा चीज़ें हैं दुनिया वालों के फ़ायदे की चीज़ें हैं आप उनके लिए हलाल कर देते हैं वही हर रमोलिमुलखबाइस और जितनी भी खबीज चीज़ें हैं जितनी नुकसानदह चीज़ें हैं दुनिया आखरत के लिए मीशत माशरत के लिए अल्लाह के रसूल सरसलम अल्लाह की वहीं से उनको हराम करार देते समझ गए बात इसलिए जो मुनकरीन अधी वो तो बहुत आगे चले जाते हैं एक मुनकर हदीस से मेरी बातचीत हुई वो चूंकि ओपन फोरम पे फेसबुक पे हो रही थी अब वो अपना माफी जमीर खुल के बयान नहीं कर रहा था कि लोग क्या कहेंगे मैंने उससे पूछा कि आप हदीस को नहीं मानते आप कहते हदीस तो दीन ही नहीं है ये तो घड़ी हुई है अपनी तरफ से बनाई हुई है तो फिर कुत्ते को आप हलाल समझते हैं हराम समझते दो गधे को बिल्ले को बाकी सांप बिच्छू जितनी चीज़ें हैं इनको आप हलाल समझते हैं हराम समझते दो वो आगे से गोल मोल जवाब देता जो अल्लाह ने हलाल किया वही हलाल है जो अल्लाह ने हराम किया वही हराम है मैं और आप कैसे हराम कर सकते हैं कोई और चीज़ हराम नहीं कर सकती मैंने कहा चले अच्छी बात है लेकिन मैं तो आपसे कुत्ते के बारे में पूछ रहा हूँ आपके बिल्ले के बारे में आपके पास आपसे गधे के बारे में पूछ रहा हूँ आप सीधा जवाब दें कुछ दिन वो गोल मोल भात घुमाता रहा आखिर जब जिच हो गया फंस गया वो उसने लिख दिया कि खंजीर के अलावा कोई भी जानवर जबा करके ले आओ मैं खाने के लिए तैयार हूं मैंने कहा कि भाई खंजीर के अलावा भी हमारे यहाँ तो जानवर हराम है हम तो हदीस को मानते हैं हम क्यों तकबीर पड़ेंगे उस जानवर पर जिसको अल्लाह ने हराम किया है हाँ आप हमें एड्रेस बता दें कुत्ता पकड़ के हम आपके सामने लाएंगे और आ, हम देखना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लासम की हदीस का इनकार करके इंसानियत से कितना गिर जाते हैं लोग हम देखना चाहते हैं कि किस तरह तुम कुत्ता खाते उसने कहा मैं खा लूंगा मैं खाने के लिए तैयार हूं और ऐसा शख्स जो डॉक्टर है पीएचडी है और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है डॉक्टर खिजर यासीन उसको कहते हैं आज भी आप उससे मुलाकात कर सकते हैं उसका दावा है इनकार हदीस इंसान को इंसानियत से गिरा कर हैवानियत में ले जाता है ऐसा शख्स मुसलमान क्या अब देखें कुत्ते को हलाल समझने वाला और कहता मैं हलाल समझ के खाता हूं मैं उस पर अल्लाह अकबर बिस्मिल्ला अकबर पढ़ूंगा कुत्ते पर ऐसा शख्स क्या मुसलमान होता है किस चीज का नतीजा है हदीस के इनकार का यह बात मानना हर मुसलमान पर लाजिम है कि जिस तरह कुरान करीम के अल्फाज महफूज हैं उसी तरह कुरान करीम की तशरी और तफसीर और करीम का बयान और वजाहत भी महफूज़ है और वह है मोहम्मद रसूल अल्लाह वसलम की सीरत आप की सुनत और आपकी हदीस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रबुल्ज़त हमें अमल करने की तोहफ़ी ताफ़रमाए वाखिर उदावान